अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां हिन वक्त मौजूद आहियूं पत्रस गार्डन यूसी मुराद में मतलब गोठ में, जिते पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पारां इलेक्शन मुहिम जो आगाज़ कयो पियो वञे। उन हवाले सां अचो त हुते मौजूद अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। और औरंगजेब खान साहब क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे किया क्या जा रहा है, रोडों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर काले पत्थर बिछा के और हमारे करोड़ों रुपए का बजट खा लिया जाता है। वो ऐसी पार्टी को दे कि जो उनके मसाइल हल कर सके। जब आवाम चाहेगी पीर साहब आगे आएंगे, पीर साहब के लोग आगे आएंगे, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की भी मिलेगी, इस मुल्क को आबरू भी मिलेगी, इस मुल्क को सरसब्ज करेंगे। पीर साहब पगारा ने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है, अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर ईंटों की जगह पर उनके सर लगाए हैं, तो उनको कदर है। और जिस तरह से इस आवाम की नुमाइंदगी पीर साहब पगारा कर सकते हैं, उसका खानदान कर सकता है, उसके लोग कर सकते हैं, उसके कारकुन कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। इस ऐवान में बैठने के लिए, आवाम की आवाज बनने के लिए, जो हमारा शऊर बेदार किया, इन जालिमों ने बेदार किया, जिन्होंने मुसलसल इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, मुसलसल गिद्धों की तरह पाकिस्तान को नोचा है। दूसरी बात, जो सिंध में सैलाब के तोहफे दिए जा रहे हैं, तो ये कोशिश है कि अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सके, इसलिए निकले हैं और पीसाई पगारा की क्यादत में है। इंशाल्लाह ताला ऐसी हमारी लीडरशिप है जिस पे आज तक कोई करप्शन या कोई स्कैंडल या कोई ऐसा कोई भी मौजूद किसी भी हवाले से कोई कहीं पर भी इनका नाम नहीं है। हमारी जमात तो वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, तो इंशाल्लाह ताला यही अज़म दे के निकले हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। इस पाकिस्तान को जिन्होंने बचाया था, बनाया था, अब उन्हीं के साथ खड़े होकर इंशाल्लाह बचाएंगे। जी नाज़रीन, तव्हां हिते मौजूद अॻवाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवण हो त असां इलेक्शन में कामयाब थी मुल्क मां करप्शन, बदअमनी, महांगाई ऐं बेरोज़गारी जो ख़ात्मो हाणे मुल्क में अमन ऐं खुशहाली आणींदासीं। इजाज़त ॾींदा कैमरामैन इनायत कमराणी सां गॾु सलमान कादर, होश टीवी, कराची।